आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी आज करेंगे जिलाधिकारियों के साथ बैठक, विकास के मुद्दों पर होगी चर्चा। कैराना में आज पलायन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे अमित शाह, डोर टू डोर कैंपेन का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, यूपी में चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन को तैयार कांग्रेस। अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन भी होंगे टीम में। दक्षिण भारत में कोरोना का कहर, केरल और कर्नाटक में दर्ज हुए एक दिन में 45,000 से ज्यादा मामले। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने कहा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को अस्तित्व में लाने और मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू किया जाएगा। बता दें, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अपनी स्थापना के बाद से विवादों में रहा है, लोग बेसब्री से इसके पूर्ण रूप से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। अभी चूंकि ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी जगह हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज यहाँ भी मैंने देखा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है कि आगे अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, कोई प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है, महामारी का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो हर तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हों, किसी को कोई परेशानी ना हो, इमरजेंसी के लिए हर तरह की चीज़ें तैयार हों, क्योंकि जान माल की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इसलिए आज यहाँ का भ्रमण किया है, सभी वार्डों को देखा है, अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है, कहीं पर कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। बीजेपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी संग्राम तेज हो गया है। कुमाऊं के वोटरों को साधने के लिए, बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चितई मंदिर में चुनावी बगुल की शुरुआत की है। चितई मंदिर पहुंचे सीएम धामी ने गोलू दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा, चितई गोलू देवता मंदिर में उन्होंने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की प्रार्थना की है। वहीं पहली लिस्ट में 10 विधायकों के नाम कटने पर बगावत के सवाल पर सीएम धामी ने कहा, बीजेपी में कोई बगावत नहीं है, सभी बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर बीजेपी को जिताएंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, क्योंकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है। गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें, मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। कुछ जगहों में बगावत की ऐसी बुआ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और चूँकि एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार थे और सभी लोग चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश में समिति, सब ने जो नाम भेजे थे उन्हीं नामों में से केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक सुरेश राठौर ने क्षेत्र भर में धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा और धन्यवाद रैली का समापन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाईकमान द्वारा जो आशीर्वाद और भरोसा उन्हें दिया गया है, वो उस पर पुनः खरा उतरेंगे। यह सीट भाजपा की झोली में जाने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने भरोसा दिया वो उनके अनुसार ही कार्य करते हुए ज्वालापुर क्षेत्रीय को विकास की गति प्रदान करने में फिर से अपनी भूमिका निभाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय और मर्दुलहुड विश्वविद्यालय रुड़की के बीच एक
एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्कृत तकनीकी शिक्षा और रिसर्च बेस्ड शिक्षा में अपनी सुझाव साझा करेंगे, जिसमें इन दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा, दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। हमारा एक तो रिसर्च का पॉइंट है, उसमें शोध हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो बहुत अच्छी लैब्स हैं, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएं और यहाँ की रिसर्च को भी देखें। दूसरा, मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी रहेगा, मेरे जो विद्यार्थी हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर यहाँ मुझे कुछ उनको अच्छा देने के लिए मिलेगा तो मैं उनको ज़रूर भेजूँगा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ की एक डायनेमिक फैकल्टी है, जो बहुत विद्वान टीचर हैं यहाँ पर, मैं ये चाहूँगा कि मैं उन टीचरों का भी कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिलाऊँ, उनसे एक अच्छी शिक्षा उनको दिलाऊँ और कभी कभी उनके वहाँ गेस्ट लेक्चर कराऊँ और अपने टीचरों को भी यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए यदि यूनिवर्सिटी को ज़रूरत होगी तो उनको यहाँ पर ज़रूर भेजूँगा। हम दोनों विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में ही हैं और एक दूसरे के सहयोगी होने के लिए आज परस्पर साइन किया है एमओयू के रूप में। जो हमारे पास है हम इनको उसका लाभ प्रदान करेंगे, इनके पास कुछ है उसका हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स का लाभान्वित हों एक दूसरे के साथ में। ये इन्होंने आपने जो बात कही कि एकेडमिक दृष्टि से और रिसर्च की दृष्टि से। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां अधिकारी व जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से समस्त विधानसभाओं के नामांकन कक्षों एससीएमसी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि नामांकन कक्ष के बाहर सैनिटाइजर तथा कूड़ेदान रखना सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि नामांकन कक्षों में कार्य कर रहे कार्मिक नियमित रूप से मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे। उन्होंने कहा कि जिन जिन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र व नामांकन किया जा रहा है उनकी जानकारी पंजिका में दर्ज करना सुनिश्चित करें। विधानसभा निर्वाचन का तैयारी को शुरुआत हो गया है। आज सभी विधानसभाओं के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रारूप एक पर नोटिस जारी कर दिया है, विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधानसभाओं का जो नामांकन कक्ष है वो कलेक्ट्रेट की पुराने भवन में स्थापित किया गया है। यमकेश्वर विधानसभा का जो कक्ष होगा वो जिला पंचायत के पुराने भवन में स्थापित किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को हमने पॉलिटिकल पार्टीज का बैठक जब किया था उनको अवगत कराया था कि नामांकन की प्रक्रिया कैसे होगी, कोविड का अनुपालन किस तरीके से किया जाएगा और एफिडेविट जो भी आवश्यक हैं उनके बारे में सारी जानकारी हमने कैंडिडेट्स को और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधिगण थे। नशे के काले कारोबारी और नशे की दुनिया में डूब रही जवानी के लिए अब तक सिर्फ पंजाब बदनाम था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, जहां गंगा जमुना की उत्पत्ति होती है, जहां के आत्मा और शास्त्र की ज्ञान की गंगा बहती है, वही उत्तराखंड नशे का शिकार हो रहा है। राज्य के कई जिले नशे की गिरफ्त में है तो इससे उधम सिंह नगर भी अछूता नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में भी नशे के सौदागरों ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से चरस की खेप जिले गांव गांव पहुंचने लगी है। चरस, अफीम, गांजा और तंबाकू और अब युवा पीढ़ी कैप्सूल इंजेक्शन स्मैक जैसे घातक नशे को भी अपना साथी बना रहे हैं। तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी में एक युवा समाजसेवी ऐसे भी हैं जो नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। समाजसेवी मोहम्मद रफी एडवोकेट जो समय पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक प्रशासन आंखें मूंद कर यह सब देखता रहेगा। तो ही मामले को लेकर ड्रग स्पेक्टर का ने बताया, हमारा कोई भी मेडिकल स्टोर नशे की सप्लाई नहीं करता है, नशे के कारोबारी ये सब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लाते हैं और नशे के कारोबारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने इसी चीज को मुहिम को लेकर के हमारा देश, हमारा युवा, हमारा सुल्तान पट्टी का नागरिक अगर इस लत में चला जाएगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने जन जागरूकता रैली के माध्यम से भी कई बार पहले भी और अब मैंने जो है फ्लैक्स के माध्यम से नेशनल हाईवे पर एक फ्लैक्स लगाया है उसके माध्यम से भी सुल्तान पट्टी की जनता को जताने के लिए और आपके प्राइम टीवी के माध्यम से भी मैं अपनी सुल्तान पट्टी की जनता को जगाना चाहता हूं कि ये जो है नशे की लत से
युवा दूर जाएं, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, उनका घर बर्बाद हो जाएगा। तमाम अनेक कम से कम आधा दर्जन युवा सुल्तानपुर पट्टी के इस जो नशे का इंजेक्शन है, खासकर नशे का कारोबार है, नशे के इंजेक्शन की लत में आकर उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया और इस दुनिया से अपने वक्त से पहले वो चले गए। मैंने इसी चीज को वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सलीम हमारे साथ जुड़ेंगे। सलीम, जिस तरह से नशे को बढ़ावा मिल रहा है, वहां के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, इस मामले को संज्ञान में आने के बाद क्या संबंधित अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई की? जी, हमने स्थानीय प्रशासन सीओ मैडम से बात की तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, जिस वजह से नशे के कारोबारी यहाँ नशीली दवाई लाकर खपा देते हैं। अभी पिछले दिनों भी नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशीली दवाओं के साथ दो व्यक्तियों को पकड़कर जेल भेजा था। कैसे ये मामला कैसे सामने आया कि उत्तर प्रदेश से आ रहा है? आपने बताया कि क्या किसी संबंधित अधिकारी ने इस पे कोई जांच की है अभी तक? जी, वही हमारे द्वारा फोन करके ड्रग्स इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारा कोई भी मेडिकल स्टोर नशे की सप्लाई नहीं करता, नशे के कारोबारी ये सब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लाते हैं। फिर कोई भी मेडिकल स्वामी नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, धन्यवाद सलीम। देहरादून में हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो गई है। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन थामा है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस ज्वाइन लाइन से प्रत्याशी बनाया गया है। माफ कीजिएगा, प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हरक सिंह रावत ने 5 दिन के इंतजार के बाद हरक सिंह को कांग्रेस में एंट्री दी है। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहु अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे ने कलेक्ट्रेट कच्छ 26 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में COVID-19 गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीमित संख्या में झांकियों का आयोजन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर 25 और 26 जनवरी को लाउडस्पीकर के माध्यम से देशभक्ति गीतों का प्रसार करें। में भी हमने आज बैठक किया है, रिपब्लिक डे के तैयारी को लेकर भी हमने समीक्षा बैठक किया। साथ में जितने भी हमारे अब विभाग होंगे उनके द्वारा हमने अवगत करा दिया है कि 9:30 मतलब 9:30 बजे 26 तारीख को 2019 का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। समस्त कार्यालय अध्यक्ष अपने अपने कार्यालय में संपन्न करेंगे। इसके साथ साथ में 25 तारीख को और 26 तारीख को धीमी आवाज़ में जो है देशभक्तिपूर्ण गीतों का जो है संपन्न किया जाएगा। सभी चौराहों पर सभी जो महानुभाव व्यक्ति होंगे जिनके मूर्ति स्थापित है उनको साफ सफाई करने के लिए मैं नगर पालिका को निर्देश किया दिया हुआ है। विशेष रूप से हमने ये ध्यान रखा कि इस बार कोविड का अनुपालन हो और हर ऐसे कार्यक्रम स्तर पर जो है कोविड की एक टीम वहाँ पर तैनात रहे ताकि वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम साथ साथ में हो सके। परेड का भी कार्यक्रम जो किया जाएगा उसमें पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया जाएगा। SSP साहब के साथ में इसके बारे में चर्चा हुई है और साथ में जो विभागीय अधिकारी होंगे वो अपने विभाग की झांकी भी उसमें प्रस्तुत करेंगे। झांकी की संख्या जो होगी वो थोड़ा नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है और उसमें जो प्रतिभागी होंगे उनको भी निर्देश दिया गया कि उनकी संख्या भी। खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है। विधानसभा रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान के पुनः टिकट मिलने के बाद उनके कैंप कार्यालयों पर समर्थकों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही भाजपा विधायक आदेश चौहान और भाजपा हाईकमान के निर्णय का जोरदार स्वागत किया। मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने भारतीय जनता पार्टी के इस रानीपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं का और इस यहाँ की देवतुल्य जनता का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने मुझ पर पुनः विश्वास जताते हुए और आने वाले 5 वर्षों के लिए रानीपुर क्षेत्र की उस महान जनता की सेवा के लिए दोबारा अवसर दिया है।
उत्तराखंड चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही आखिरकार बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कालाढूंगी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पर पार्टी ने तमाम दावेदारों के बीच एक बार फिर से भरोसा करते हुए इस बार भी उनको कालाढूंगी विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बना है। तो वहीं अपना नाम की घोषणा होते ही बंशीधर भगत के निवास पर तमाम लोग उन्हें बधाई देने का तांता लगाए हुए हैं। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं और मैं अपने कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार के कारण ये वातावरण बना कि भगत जी को ही टिकट दिया जाना चाहिए, तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया, तो मैं उस जनता को अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद। तो यह रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।